करें, आप उस पर अवश्य कृपा करें। प्रभु जी बोले अच्छा जाओ उसको फिर ले आओ एक बार। वो हरिश्चंद्र राम गोपाल को अंदर ले आए। जैसे ही राम गोपाल अंदर आए एकदम प्रभु जी बोलते हैं, अरे भाई ना तो हमारे दाढ़ी है, ना हमारे जटाएं हैं, ना हमने सारे बदन में राख भभूति लगाई है, हम तो कोई पंडित जी बैठे हैं भाई। राम गोपाल एकदम चक्कर खा गया कि इतने बड़े अंतर्यामी कि मेरे मन की बात जान ली। बस उनके चरणों में लिपट गए और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपके इस भेष को देख के पहचान नहीं पाया। सतगुरुदेव की जय। प्रभु जी बोले बोल क्या चाहता है? बस मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। बोले अच्छा यहाँ बैठ जा। देखो सिद्ध योगी किस प्रकार खेल करते हैं। प्रभु जी ने गेली उठाई मिट्टी की और राम गोपाल को दी, ले इसको खा ले जा तेरा काम हो गया। मिट्टी की डेली खाते ही राम गोपाल की एकदम कुंडलनी जगी, चक्रों का भेदन हुआ, प्राणवायु ऊपर चढ़ी और वो हर समय भगवान कृष्ण में लय रहने लगते। प्रभु जी बोले जा अब अपनी साधना कर, ब्रह्मपुरी के जंगलों में चले जा। राम गोपाल जी ब्रह्मपुरी के जंगलों में चले गए। जाते ही माँ ध्यान का आसन लगाकर ध्यान समाधि में बैठे, मन एकाग्र हुआ। एकदम उनके सामने, मैं बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ, अपोल कल्पित कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है जो गुरुदेव जी के मुखार से सुनी है बता रहा हूँ। राम गोपाल जी के सामने सिंह पर सवार चतुर्भुज रूप में भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवती दुर्गा को देखकर राम गोपाल जी ने इस प्रकार पीठ फेर ली। भगवती दुर्गा बोली क्यों बेटे, माँ से नाराज है क्या? बोले नाराज नहीं होऊंगा, जब मैंने कलकत्ता में 16 दिन भूखे प्यासे रहकर तुझे पुकार दी, तपस्या करी, पूजा करी, तू नहीं आई, आज मेरे बिना बुलाने पर तू आ गई। बोले बेटे मैं तब भी तेरे पास थी पर तेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि तू मेरे तेज के स्वरूप को देख पाए। आज तुझे पूर्ण परब्रह्म महाप्रभु मिल गए हैं, उनकी कृपा हो गई है, तू अब इतनी सामर्थ्य हो गई है कि तू मेरे रूप के दर्शन कर सकता है। ले अब मैं तेरे सामने हूं, बोल तू क्या चाहता है, मांग। राम गोपाल जी बोले इतनी बड़ी ताकत वाले मुझे गुरु मिल गए कि जिनकी कृपा से तू मेरे सामने आज आ गई, फिर अब मैं क्या मांगूंगा, मुझे देना है तो एक बार दे, जब तक मेरा मोक्ष ना हो, जब तक मेरे जन्म होते रहे, मुझे ऐसे गुरुदेव के चरणों की शरण मिलती रहे, मुझे उनकी भक्ति मिलती रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद राम गोपाल जी वहां से चले गए। रास्ते में जा रहे थे, मन में आया कि नुक्कड़ वाला तांत्रिक गुरु था, लाओ एक बार उसको भी जाके प्रणाम कर लें कि हमें इतने बड़े गुरु मिले। राम गोपाल जी वहां पर गए, गुरु खड़ा हुआ था टीले के ऊपर, दूर से देखते ही कहता है, अरे दुष्ट तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी, तुझे मिल तो गए ब्राह्मण गुरु, अब तू इतने बड़े गुरु के जो पाया है तूने इतने बड़े गुरु को, तो कुछ तू अब मुझसे भी आशीर्वाद ले जा। उसने क्या आशीर्वाद दिया मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार तांत्रिक लोग अनिष्ट कर दिया करते हैं। बोले अब तू मुझसे ये आशीर्वाद ले जा कि आज से ही तू रोगी हो जा, पहला आशीर्वाद, और दूसरा आशीर्वाद ले जा कि तू बहुत बड़ा आयुर्वेदिक वैद्य है, आज से ही तेरे हल्द्वानी जाते ही तेरी दवाएं अपनी बेकार हो जाएं, जिन जिन तेरी दवाओं में जहर हो जाए, जिन जिन लोगों ने तेरी दवा खाई है उन सबकी बीमारियां और बढ़ जाए, वो बेकार हो जाए, रोगी बन जाए, और तीसरा ये ले जा मुझसे आशीर्वाद कि अंत में तेरी सदगति नहीं होगी, तू सड़ सड़ के गल गल के मरेगा, रो रो के मरेगा। ये तीन आशीर्वाद दिए थे, वही तांत्रिक के आशीर्वाद है। राम गोपाल जी उसी समय एकदम ऐसे बीमार हो गए जैसे पता नहीं 6 महीने से बीमार हो, और दुखी मन से बस में बैठ के हल्द्वानी आ गए। आते ही घर पहुंचे तो देखा औषधालय के ऊपर वैद्य लोग चिल्ला रहे हैं, वैद्य लोग कह रहे हैं, अरे मरीज लोग, सॉरी मरीज लोग कह रहे हैं कि हम
हमारे रोग बढ़ गए हैं, हमारे दर्द हो रहा है, वो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और वो इतने कमजोर हो गए कि वो जाके अंदर खाट पर लेट गए। राम गोपाल जी ने सारी बातों का विवरण चिजोल के साथ ये घटना घटी तांत्रिक की। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, हमारे महाराज जी बताया करते थे डाक सुविधा बहुत जल्दी हुआ करती थी, एक घंटे में पत्र मिला करता था। राम गोपाल जी ने पत्र लिखकर डाक के द्वारा उसको भिजवा दिया। श्री प्रभु जी ऋषिकेश में बैठे हुए थे, 8 घंटे के अंदर अंदर वो पत्र, बीमारी हुए उनको 8 घंटे हो गए, उसके बाद वो पत्र राम गोपाल जी को मिल गया है प्रभु जी का। प्रभु जी के पास पत्र पहुंचा और हाँ, और प्रभु जी ने तुरंत उसका जवाब दिया और जवाब लिख के पत्र को पोस्ट करके राम गोपाल जी को भेज दिया। राम गोपाल जी ने पत्र खोला, देखो प्रभु जी ने क्या लिखा पत्र में। प्रभु जी ने कहा बेटा राम गोपाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से ही तुम बिल्कुल इस पत्र को पढ़ते ही तुम्हारे उसके सारे शाप से मुक्त हो जाओगे, तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग बिल्कुल दूर भाग जाएगा, और जो तुम्हारी दवाइयां जहर बन गई हैं वो फिर से सब ठीक हो जाएंगी, और तुम्हारे मरीज पहले ज्यादा स्वस्थ होंगे, तुम्हारा औषधालय खूब चलेगा। और तीसरा लिखा था तुमको उसने जो शाप दिया है कि तेरी सदगति नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सदगति अवश्य होगी, तुम खूब सत्संग भजन कर रहे होगे, पहाड़ों में बैठे होगे, आंधी तूफान चल रहे होंगे, पर तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा, और तुम भजन ध्यान करते अपना शरीर छोड़ दोगे और मुक्ति पाओगे। प्रभु जी ने लिख दिया, तीनों काम उस समय तत्काल हो गए। तो मेरा घटना सुनाने का मतलब क्या था कि कैसे सदगुरुदेव प्रभु रामलाल से देश ये दुनिया क्या जाने, बस निर्भय कौन रह सकता है जिनको उन पर विश्वास होगा, दृढ़ता होगी, सतोगुण का प्रकाश जिसके अंदर उदय हो जाएगा। देखो एक घटना और सुनाओ प्रभु जी की। हमारी एक गुरु बहन जो ग्वालियर में है वो यहां भी मेरे सामने बैठी हुई है, नाम नहीं लेता। वो अपने पतिदेव के साथ और उनके पतिदेव के एक दोस्त, उनकी पत्नी, ये 4-5 लोग मिलकर घूमने गए। वो सारे लोग घूमने गए ततिया पीताम्बरा पीठ की तरफ, वहां पर घूमने गए। वहां पर एक कोई दतिया में पीताम्बरा पीठ में एक कोई देवी बैठी हुई थी और वो खूब झूम रही थी और लोग उसके खूब पैर छू रहे थे, उसको प्रणाम कर रहे थे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एकदम वो देवी ने, वो हमारी गुरु बहन सोने के बिछुए पहने थी, वो देवी ने उनके बिछुओं की तरफ देखा और उनसे मांग लिए। कोई जो देवी बनी बैठी हुई थी वहां पर पीताम्बरा पीठ की उतारा, वहां का सुना बहुत लोग डरते हैं, बड़ा खाते हैं, वो बिछुए उस देवी को उनने दे दिए हमारी बहन ने, और वो उसने लेकर पहन लिए, करने लग गई, इसे कर रही थी, झूमने लग गई वो बड़े चक्कर में। तो उन्होंने कहा मेरे बिछुए चल, उनके वो बोले उनके पति के दोस्त बोले चलो भाभी जी अब चलो, ये तो उन्होंने पहन लिए तो आपको आशीर्वाद मिल गया, ले लिए चलो। बोले अरे ऐसे कैसे ले लिए मेरे बिछुए इसने, वो बोली उन्होंने अपने गुरुदेव पर पता है कि मेरे गुरुदेव कौन है, विश्वास है। वो बोले ऐसे कैसे ले लिए, अरे भाभी जी आप तो राजा महाराजा है, क्या है बिछुए तो बहुत आ जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बोले अरे नहीं, बोले मैं तो अपने बिछुए लेके जाऊंगी। बोले एकदम मैंने अपने गुरुदेव को याद किया और उसके बहुत भक्त लोग बैठे थे वहां पर, और एकदम वो बोली ए देती है मेरे बिछुए, उठाकर नीचे फेंक दू अभी, बोलो सद्गुरुदेव की जय, देती है मेरे बिछुए उठाकर नीचे फेंक दू अभी, बस उसने हूं हूं करके पट दी उछी उतार के। तो उन्होंने महाराज जी को पत्र लिखा, उस समय महाराज जी थे, कि महाराज जी इस प्रकार की मेरे साथ घटना घटी, वो मुझको बहुत शाप दे, जब वो चलने लग गई तो वो उनको बहुत कुछ बोलने लग गई, तेरा ऐसा हो जाए, तेरे पति का ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाएगा। और लोगों ने भी कहा तुमने क्या किया, जो देवी है इनकी सब पूजा होती है या वो होता है, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने महाराज जी को पत्र लिखा कि महाराज जी इस तरह की घटना है, मेरे संग घटी है, गुरुदेव उन्होंने ऐसा कहा है, अब क्या होगा। महाराज जी बोले मुनिया प्रभु जी के, जो क्या जवाब लिखा गुरुदेव ने, प्रभु जी के चरण मिल गए, निर्भय रहो,
प्रभु जी के बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे अंदर प्रभु जी का इतना तेज है कि उस तेज को भी उनको प्राप्त करने में बहुत समय लगेंगे। तो इसलिए प्रभु रामलाल से देश ये दुनिया क्या जाने, गुरु चंद्रमोहन योगेश ये दुनिया क्या जाने। श्री प्रभु जी ने जिस समय अमृतसर के अंदर दुलीचंद नागपाल की कोठी में अपना शरीर छोड़ा, बस ये बात घटना बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर बनाकर वहां से गुरु के बटाले पर पहुंच गए। अमृतसर से थोड़ा सा दूर पर गुरु का बटाला है, वहां प्रभु जी पहुंच गए और वहां जाकर श्री प्रभु जी के कुटुंबी भाई थे जिनका नाम था पंडित जगन्नाथ, वो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। उनको अपनी पढ़ाई का, विद्वता का बहुत ज्यादा अहंकार था। बार बार प्रभु जी को एक ही बात बोलते थे, अरे भाई प्रभु जी का नाम लेकर बोलते थे, मैं तो नाम नहीं ले सकता, अरे भाई तू क्या फंस गया है चेला चेली के चक्करों में, क्या तूने दाढ़ी जटा रख ली, पुरानी कितना बड़ा महात्मा हो गया है, देख हमसे बड़ा कुछ, हमसे ज्यादा कुछ जानता है तू, हमने वेद पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने क्या जानता है बता, अरे तू फंस रहा है, बस निकल इन चीजों से। प्रभु जी ऐसे कर दिया करते थे, कितने बड़े, कितनी नम्रता, कितना, इतने बड़े सिद्धों के महासिद्ध होकर कि बद्रिक आश्रम से बैठा हुआ महात्मा के उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है, कृपा की भीख मांग रहा है, और वो क्या कह रहे हैं तो कुटुंबी भाई से, भैया आप ठीक कहते हैं, भैया मैं आपकी बात का जरूर ध्यान दूंगा। तो वो प्रभु जी को ऐसे बोलते थे। तो प्रभु जी जिस समय शरीर छोड़ा, इधर शरीर छोड़ा तो उनके खेल पे शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर बनाकर जिस समय प्रभु जी शरीर छोड़ने जा रहे थे ना अमृतसर में, तो हमारे महाराज जी बैठे हुए थे, प्रभु जी भाई रतनलाल ऐसे कह रहे हैं, नंदलाल ऐसे कह रहे हैं अब आप शरीर छोड़ देंगे, प्रभु जी हमारा क्या होगा। बाद में प्रभु जी इस समय क्या बोले, महाराज जी बताते थे कि देखो बेटा जो भी कार्य करना जल्दबाजी में मत करना, बहुत सोच विचार के करना, वो फिर तुम्हारा नहीं हमारी प्रेरणा होगी, वो हमारी प्रेरणा होगी, उसको सोच विचार के करना। और बेटा तू दुखी क्यों होता है, हमारे महाराज जी को बोले, अरे ये शरीर छोड़ने वाले पता नहीं कितने खेल हम रोज करते हैं, हजारों रोज शरीर छोड़, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इधर शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर बनाकर अपने कुटुंबी भाई इनके पास पंडित जगन्नाथ जी के पास श्री प्रभु जी गुरु के बटाले पर पहुंच गए। बटाले पर वहां पर पहुंच गए, गुरु के बटाले पर प्रभु जी पहुंच गए और वहां जाकर अपने भाई के पास पहुंचे, भाई जी प्रणाम, अरे बोले ओ हो आप आ गए, हाँ भाई जी हमने आपकी बात को ध्यान दिया, फिर हमने कहा आप ठीक कहते हैं, अब हम चेला चेली सबको छोड़ आए, अब हम बस आपके पास आ गए, हम नेपाल चले जाएंगे। ओह बोले चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो इसको भूला नहीं कहते हैं, चलो आओ बैठो। उन्होंने रोटियां बनाई, प्रभु जी ने उनके साथ बनवाई, दोनों ने बैठ के खाई, प्रभु जी ने एक घंटे विश्राम किया, उसके बाद प्रभु जी बोले भाई जी हम तो नेपाल को जा रहे हैं, आप इस स्थान पर चले जाओ, हमारे शिष्य लोग शिष्याएं बैठी हैं, आप उनको कह देना कि हम फिर मिलेंगे। उन्हें गुस्सा आ गई, बोले फिट्टे मुंह माने धिक्कार है, अभी तक तेरी चेला चेलियों की तृष्णा नहीं गई, जा वापस चलाया जा ऐसे बोले। प्रभु जी बोले नहीं भाई जी अब हम तो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अब बस हम जा रहे हैं आप कह देना। बोले चलो कोई बात नहीं, हम जाके तुम्हारी बात, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे रास्ते से निकल जाएंगे, तुम्हारी बात हम कह देंगे। वो वहां से चल दिए, प्रभु जी थोड़ा आगे गए, अंतर ध्यान होकर नेपाल की ओर चल दिए। बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएंगी, इस समय प्रभु जी नेपाल को भी चले हैं, कैसी कैसी कृपाएं करते चले हैं, उन्होंने वाम पंथ तोड़ा, एक भैरवी चक्र होता है बनारस में उन्होंने वो तोड़ा, कई वो खींच लिया कराई, वो फिर कभी चलेगा बातें चलेंगी। अभी वो खत्म कर रहा हूँ बात सुनाकर अपनी में, कि प्रभु जी वो पंडित जगन्नाथ
पंडित जगन्नाथ जी वहां पहुंच गए, प्रभु जी के प्रमुख शिष्य मुलखराज जी महाराज उनको आवाज लगाई, अरे मुलखराज। मुलखराज जी महाराज बाहर आए, बोले हाँ रे पंडित जी आप कैसे? अरे भाई वो क्या बताएं, हम जल्दी में थे जा रहे हैं, वो तुम्हारा गुरु है ना, वो आया था हमारे पास, आज दुखी हो रहा था बेचारा, मैं चेला चेली बना के दुखी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, आपकी बात ठीक थी। और बोले वो चला गया, जो कह गया फिर मिलेंगे। बोले पंडित जी कब मिले आपको? अरे बोले अभी मिला, अभी 2-3 घंटे बैठा रहा, अब चला गया वो। तो पंडित जी अंदर आना, अंदर तो आओ एक बार। अंदर ले गए, अंदर तो देखा पंडित जगन्नाथ जी ने तखत के ऊपर प्रभु जी का शरीर लेटा हुआ है। पंडित जी बोले वो कौन लेटा है? बोले पंडित जी ने पास से आकर देखो। जैसे ही पंडित जी ने देखा, अरे बोले प्रभु जी का नाम लेकर बोले, अरे रामलाल ये तुम हो। अरे बोले ये तो अभी मेरे से रोटी खा रहा था, अभी मेरे से बातें कर रहा था, अभी तो अभी 1-5 मिनट पहले मेरे पास से गया है। बोले अरे बोले वारे वाह योगी राज, हमारे घर में इतना बड़ा योगी राज आया हुआ था और हम उसको पहचान नहीं पाए, अपने सर को फोड़ फोड़ के तखत पर रोने लग गए, इतना बड़ा योगी राज हमारे घर में आया था और हम उसको पहचान नहीं पाए। सतगुरुदेव की जय। इसलिए प्रभु रामलाल से देश ये दुनिया क्या जाने, गुरु चंद्र मोहन योगेश ये दुनिया क्या जाने। बस योगी की शक्ति के विषय में देखो, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई घटना है, कहानी सुना रहा हूँ, उपनिषद वेद योगी की शक्ति बताते हैं। उपनिषद में योगी के बारे में कहा है, अचिंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रेत च पुनस्तानी स्वेच्छा वितेंद्रिये। एक योगी, उपनिषद बता रहा है योगी क्या है, एक योगी महाशक्तिवान होता है, उसकी शक्तियां कभी कोई पता नहीं लगा सकता है। नाना रूपाणी धारे, वो एक समय में अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता है और संग्रेत च पुनस्तानी, और जब चाहे उनको अपने में समेट सकता है, है ना। संग्रेत प्रस्थानी स्वेच्छा भी इंद्रिय, वो इंद्रिय जय होता है, उसकी सारी इंद्रिया उसके कंट्रोल में होती है और स्वच्छंद होकर तीनों लोकों में बिछड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है, वेदेशु यज्ञेशु तपस्तु चैव दानेशु यत्पुन फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विद्वा योगी परमस्थान मुपेति चात्यम। वेदों के, यज्ञ के, दान के, तप के, जितने भी कर्मकांड के दायरे हैं, योगी इन सब का उल्लंघन करके परम पद को प्राप्त करता है, इन सबसे ऊपर निकल जाता है। इसलिए मेरी माँ श्री प्रभु जी महाराज जी के उस योग मार्ग को लेकर फिर से शहर शहर घूम रही है, जगा रही है, जागो पहचानो। क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जिज्ञासु की योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। एक योग का जिज्ञासु, खाली इतनी जिज्ञासा मन में आ जाए कि मैं योगी बनूंगा, इतना ही सोच ले, वो भी कर्म कांड के दायरों से आगे निकल जाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एक ही कार्य करना है, हमें सतगुरु चरणों का चिंतन होता नहीं, चाहे भजन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, किसी प्रकार से इतने जो रास्ते बताए गए हैं वो सभी, ये जितने भी दायरे हैं ये एक ही कार्य के लिए हैं, किसी प्रकार से हमें सद्गुरु चरणों का चिंतन होता है। तो इस बच्ची के द्वारा ये भजन सुनाया गया, प्रभु रामलाल से देश ये दुनिया क्या जाए। मैं कई बार ये सोचा करती हूँ, मुझे टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन कब मिलता है टाइम बताओ? गाड़ी में जा रही हूँ आगरा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से आगरा, वो टाइम मेरा खाली होता है, बाकी टाइम तो मिलता नहीं खाली। या तो प्रोग्राम में रहूंगी तो भीड़ में रहती हूँ, और या आश्रम में रहती हूँ तो वहां भी भीड़ भी लगी रहती है, और आश्रमों के कार्यों को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, 10-12 बच्चे हैं वहाँ, और भी बच्चे रहते हैं, पूरे आश्रमों के कार्यों को देखना पड़ता है, तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती एकाग्रता मन में आ जाए। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है और गुरुदेव की आज्ञा से
उन कार्यों को करना आवश्यक है। किंतु जब मैं गाड़ी में कभी चलती हूं तो वो टाइम मेरे पास होता है। कई लोग मुझसे प्रश्न किया करते हैं, आते क्या करें माता जी, फुर्सत ही नहीं मिलती, ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है, घर के काम देखने होते हैं, वो मुझे अपने कामों को गिना देंगे। मैं कहूंगी मंत्रों से जाप किया करो, ध्यान में बैठा करो, आसन किया करो, महाराज जी की आज्ञाओं को सबको बताने की चेष्टा करती हूँ। किंतु मेरी बात सुनने के बजाय मुझे मेरे सामने प्रश्न का एक लिस्ट रख देते हैं, क्या करें माता जी, सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाना होता है, फिर वहां से आते हैं धारे तक, घर के काम देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर कभी जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, क्या करें, फिर चाय वाय पी लेते हैं, बस सो जाते हैं नींद में। ये दिनचर्या लोग मुझे आकर के बताना शुरू करते हैं। तुम लोगों ने नाम सुना था राज नारायण जी का, श्री महाराज जी के बच्चे थे, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, इंदिरा जी को कराया गया था, तो हेल्थ मिनिस्टर रहे थे वो, उस समय की बात है। राजनारायण आश्रम में आए, आकर के दीक्षा प्राप्त की और योग दीक्षा लेने के बाद वो घर चले गए। घर जाने पर क्या हुआ कि दीक्षा लेके वो चले गए, आसन भी बदलवा दिया हमने और दीक्षा पत्र महाराज जी ने दे दिया सब कुछ। अब वो चले गए घर, तो नेता लोग हैं भाई, इन लोगों के पास टाइम कहाँ होता है, जब तुम ही लोगों के पास टाइम है तो इन लोगों का तो बेचारों का क्या होता होगा। तो हुआ ऐसा ही कि उनके उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। उन्होंने एक बार बीच में आया करते थे, कई बार आए महाराज के चरणों में दीक्षा लेने के बाद भी आए, तो हमसे प्रश्न किए, कहने लगे, मैंने कहा नेताजी तुम मंत्र जाप करते हो, आसन करते हो, ध्यान में बैठते हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं, खाली गुरु जी बना के बैठ गए हो। तो कहने लगे क्या करें, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। जब उन्होंने ये बात कही, लोग मुझे सुबह से घेर लेते हैं और रात तक 12 बजे तक घेरे रहते हैं, ऐसा हुआ। मैंने उनको एक बात समझाई उस समय, मैंने कहा एक बात बताओ, जिस समय तुम यात्रा करते हो बाई ट्रेन या बाई एयर या गाड़ी के द्वारा, कैसी भी तुम यात्रा करते हो ना, बोले हाँ जी वो तो करता हूँ मैं। मैंने कहा तो एक काम करना उसे, कहते क्या, मैंने कहा वो टाइम तुम्हारा अपना होता है, उस समय कोई काम नहीं होता, उस समय या तो सो जाओगे और या तो गपबाजी करोगे, बैठ के कुछ बात करोगे, वो टाइम तुम्हारा अपना है, उस टाइम को तुम यूज करना शुरू करो। किसी भी गाड़ी में जा रहे, किसी में सवारी कर रहे हो, आंख मत करो और बैठ जाओ, ड्राइवर चला रहा है, चला करेगा, तुमको लेना देना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। उनने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और अगली बार जब मुझे मिले, कहने लगे बहुत बढ़िया उपाय बताया, आजकल मैं जितनी भी यात्रा करता हूं उन सब में मंत्र का ज्यादा, क्या करें ये भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो लिस्ट बतानी है ना हमको, क्या करें कि सुबह ये करते हैं फिर ये करते हैं, बड़ा सुबह से लाइन लगा देते हो, पहले अखबार आता है उसको पढ़ते हैं, जी चाय हाथ में आ जाती है जी, फिर क्या करें, फिर ये होता है, फिर वो लाइन लगा देते हैं, तो क्या करें, इसका भी उपाय है, फिर मैंने हमको बताया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि ये जो भजनों की रचना हुई ये ऐसे समय पर हुई जब मैं संजय ये बच्चा गाड़ी चलाता है, तो ये तो अपना गाड़ी में मस्त रहता है बेचारे, इसको तो देखना होता है, हालांकि इसको बताना होता है कि ऐसे नहीं चला ऐसे नहीं चला, ये देख अभी ठहर जा, अभी एक दिमाग मेरा इधर रहता है, फिर मैं उस समय अपनी डायरी उठा लेती हूँ। महाराज जी की ऐसी कृपा है, कोई ना कोई भाव ऐसा मन में आएगा और उस समय ये रचनाएं शुरू हो जाती है। तो ऐसी कृपा महाराज जी की चली, एक नहीं इस प्रकार के न जाने कितने सैकड़ों भजन बन चुके हैं, पुस्तक छपानी है छपा देंगे, सबके पास पहुंच जाएगी, पहले बचपन की तो लिखी हुई पहुंच ही गई है, लेकिन अब एक मोटी पुस्तक बनेगी और उसके साथ
प्रभु श्री रामलाल लीलामृतम जो रामायण श्री प्रभु जी की लिखी गई है उसको अभी दो चार छह महीने में शायद छह महीने में मैंने उसको प्रूफ रीडिंग आश्रम में बीच बीच में प्रोग्राम में भी जाती रही आती रही और उसको पढ़ती भी रही प्रूफ रीडिंग में खुद करती रही क्योंकि हिंदी में बड़ी अशुद्धियाँ होती मेरी अंदर भी तो कोई और है ना मेरे अंदर भी तो मालिक कोई और बैठा है ना मैं नहीं वहां से प्रेरणा मुझे होती है तब इस बच्चे को या किसी को जिसको छोटी बच्ची को उठा दिया हमने हमने कहा चल भजन सुनो तो ये प्रभु की गुरुदेव की प्रेरणा होती है उनकी आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकते तो इसलिए श्री प्रभु जी के चरित्रों को सुन करके केवल मेरा एक ही बात कहने का ध्येय है लक्ष्य है कि उनके चरण कमलों का चिंतन करो हर समय करो काम करते रहो नाम जपते रहो जब ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा हर समय उनका चिंतन बना रहेगा और चिंतन ही करना है और कोई विशेष पहाड़ ढोना नहीं है कोई बहुत बड़े काम करने नहीं कुछ नहीं केवल उनके चरणों का चिंतन करो कोई भजन के द्वारा करता है कोई गा करके करता है कोई बजा के करता है किसी को कुछ नहीं आता तो मंत्र जाप करो अरे जाप तो कर सकते हो ना याप नहीं करते मय्यर्पित मनोबुद्धि क्या कहा भगवान किसने मेरे में मन मिला दे मन मना दे मद भक्तो मद्यानि माम नमस्कार अरे मेरे में मन मिला दे लगा मेरे में मत मन बना मेरे मन बना हो जा ऐसे उठा के रखने की चीज नहीं है मन को लगाना इसलिए अपने गुरुदेव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए हर समय तुम थोड़े दिन करके देख लो तुम्हें अवश्य अनुभूति होगी जो चरित्र यहाँ सुनाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं ये श्री प्रभु जी के चरित्र हैं उनकी बातें हैं इसलिए अब 10 बज चुके हैं और अनुरागी जी आ चुके हैं बोलो साचे सद्गुरुदेव महाप्रभु सिद्ध गुफा कल कुछ आओ आइए कुछ एक पत्रकार कोई आए थे उनकी भावना थी कुछ कविताएं भी आध्यात्मिक होंगी ऐसी अनुराग जी आए हैं आइए तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कल प्रभु की कृपा होगी और तुम और बातें सुनाएंगे इससे हम क्योंकि ये एक मन से सुनाता है तो इसलिए कल भी श्री प्रभु जी की नई बातें जो तुमने अभी तक भी सुनी इसलिए ये तो राम गोपाल जी वाली गोपालन जी वाली सुनी है मैंने भी सुनाया है महाराज जी के मुख से भी सुनी है किंतु कल की बातें कुछ ऐसी सुनाएगा जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं सुनी उन बातों को मेरी भावना है कि कल प्रभु जी के अरे इससे क्या होगा वो भी चलेगा एक भी चलेगा पहले इन लोगों का नंबर होगा दो घंटे इनके 7 से 9 9 से 10 9 से 10 तो हाँ जो भी हो तो मतलब कल भी होगा परसों भी होगा दो दिन तो खूब डुबकी लगाओ प्रभु जी के चरित्र खूब मन लगा करके सुनो और इनको चिंतन करते करते घर जाओ और वहां जाकर के खाना पीना जो भी करना है करके और आंख बंद करके चिंतन करो गुरुदेव का प्रभु जी का चिंतन करो भले ही दीक्षित है अदीक्षित है कोई बात नहीं भगवान राम को मानते हो भगवान कृष्ण को मानते हो भगवान शिव को मानते हो माँ को मानते हो कहीं से दीक्षा भी नहीं है कोई बात नहीं प्रभु जी तो बड़े दयालु हैं अकारण कृपा करने वाले हैं इसलिए सब उनके चरणों का चिंतन करो अपने घर में चिंतन करो चिंतन चिंतन हर समय उनका ध्यान करो याद करो उनको याद करो के सामने खड़े हो जाएंगे आकर के ये बात बिल्कुल सही है एक लड़की एक दिन आई थी वो परसों आई मेरे पास परसों आकर के एक पहाड़ी वालों के साथ आई होगी वो लड़की तो उसने मुझसे आकर के कहा माता जी पिछली बार वो बहुत रोई मेरे पास आकर रो करके कहने लगी
कि महाराज जी पता नहीं कब दर्शन देंगे, रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जा महाराज जी दर्शन दे देंगे, ऐसे ही मैंने बोल दिया उसको। तो प्रेरणा तो वहां से चलती है। और ये पुराने लोग जानते हैं कि महाराज जी से जब हम प्रार्थना करते थे कोई भी, तो महाराज जी बड़े जल्दी सुन लिया करते थे, ये तो तुम लोग जानती हो। तो अब भी सुन रहे, उसी तरह सुन रहे, बल्कि उससे ज्यादा सुन रहे महाराज जी। ये बस इतना कहने की देरी नहीं होती, जरा सो महाराज जी ये बच्चा, महाराज जी ये बस यही मेरी ड्यूटी लगाई महाराज जी ने, पहले से भी यही थी अब भी यही है। कारण कारण वो है, मैं तो बस निमित्त बना रखा है उन्होंने, जहाँ को कहा इशारा कर दिया महाराज जी।